हेलो 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 ऑल राइट आई थिंक आवाज़ क्लियर है हेलो 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 आवाज़ आ रही है ओके okay, okay, okay. ओके क्या हो गया हेलो रिवान क्या हाल चाल आई होप आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत करता हूँ आपका अभ्यास बैच डे नंबर थर्टीन और हॉट टॉपिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलिए तो इस टॉपिक के बारे में हमें क्या बात करनी है सर क्या बात करनी है सर वेट मिनट मैं प्लानर निकालता हूँ प्लानर के अकॉर्डिंग आपको कंसोलिडेशन के तीन लेक्चर दिए गए थे आपको कंसोलिडेशन के तीन लेक्चर दिए गए थे प्लानर के अकॉर्डिंग ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले लेक्चर में भी कुछ कंसोलिडेशन का पार्ट था और ये तीन लेक्चर ठीक है अभी जो तीन लेक्चर आपको दिए गए थे क्या आप ये देख के आयो सबसे पहले मुझे रिप्लाई करके बताओ क्या आप देख के आयो जल्दी बताओ जल्दी बताओ अच्छा मुझे तुम लोगों को बाकी का मास्टर प्रॉब्लम भी देना है आई विल ट्राई टू रिलीज द मास्टर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल ठीक है आज हमें कंसोलिडेशन करना है पेज नंबर सिक्सटीन है दस क्वेश्चन है ठीक है भाई सिक्सटीन हम्म कंसोलिडेशन और तुम ये लेक्चर पढ़ के आए होगे तो मैं बता दूं भाई कंसोलिडेशन वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है ऊपर से मैंने यहाँ पर आर के अंदर तो पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर लिया था तो यहाँ पर मैं अभ्यास में क्या करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ठीक है सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितने क्लासेस में होगी सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितने क्लासेस में होगी देखो यार मेरे को ऐसा लगता है कि दस क्वेश्चन हैं ठीक है ना तो दस क्वेश्चन में से आई डोंट नो आर में कौन कौन से हैं तुम लोगों ने फाइंड आउट करके रखे गया जो क्वेश्चन मैंने आर आर में, में करवाए थे अगर पांच क्वेश्चन भी हुए पांच या छह क्वेश्चन भी हुए तो यार मिनिमम दो या तीन क्लासेस लग जाएंगी दो या तीन क्लासेस लग जाएंगी ठीक है तो मुझे जल्दी आइडेंटिफाई करके दो अभी के अभी बाकी सब लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन आर आर में कवर कर लिए हैं अपन ने यस yes, कौन कौन बच्चा है रोशन कुमार अनुष्का द्विवेदी अभिषेक जो जो बच्चे जल्दी आ जाओ चैट पर आ जाओ मैं नाम ले रहा हूं सबका सनी सानिया शेख स्मिथ शाह स्मिथ शाह संजीव कुमार सर पूरा नहीं देख पाया दो वीडियो पूरा देखा अरे भाई कैसा मत करो भाई संजीव स्वयं अग्रवाल सृष्टि यस सर सारे कंसेप्ट क्लियर है वेरी गुड आ, सनी दो क्वेश्चन चक्रधर मे ट्वेंटी फोर वाला भी करवा दो आपने बोला था वो थोड़ा ट्रिकी है हाँ वो मैं करवाऊंगा तो दस प्लस एक मतलब ग्यारह क्वेश्चन है बिल्कुल मैं करवाऊंगा रेशमी आलिहा अंकिता यस 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 मतलब क्या देख के आयो कि नहीं देख के आयो आर आर कंप्लीट करके आयो कि नहीं और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन नंबर हैं जल्दी बताओ टाइम वेस्ट मत करो आज मुझे वैसे ही थोड़ा सा लेक्चर मेरा आज लेट स्टार्ट हुआ है और मुझे सवा दस साढ़े दस बजे तक ही मैं करवा पाऊंगा थोड़ा जल्दी करो सर कंप्लीट चैताली अवनी नरगिस विकांक्षा राहुल अयाज ठीक है मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ आरआर वाले कौन से अभी मालूम पड़ जाएगा तो एक टेंशन खत्म हो जाएगा मेरा आरआर वाले क्वेश्चन कौन कौन से जल्दी बताओ शुड आई ज्वाइन योर सीए इंटर रेगुलर बैच फॉर मे ट्वेंटी अभिषेक बिल्कुल, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो सर यस सर आर आर कंप्लीट यस सर कंप्लीट सर बिग फैन थैंक यू बेटा सर ऑलरेडी सीन ऑल क्लासेस ठीक है जल्दी बताओ ना कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें थैंक यू सो मच एटी फोर क्वेश्चन सर सब कुछ चेंज है सर ओ माय गॉड सेवेंटी नाइन और एटी uh, एक बच्ची बोल रही है एटी फोर नैना बोल रही है 79 नाइन और एटी करवाया था आर आर में कंप्लीटली एटी फोर तो एटी फोर तो ये बच्ची बोल रही है कि सर completely करवाया था एटी फोर ये वाला आ, डिविडेंड ये ये ठीक है तो आर आर में से देख लिया होगा तुम लोगों ने तो मैं इसको आर आर कवर कर लेता हूँ ठीक है आर आर कवर लेता हूँ कुछ भी नहीं है सर क्या राहुल क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा 84 ये बच्ची बोल रही है नैना कुमारी 79 नाइन और एटी 79 नाइन और एटी बोल रही है अब तुम लोग मेरे से मेहनत करवाओगे क्या अब तुम लोग मेरे से मेहनत करवाओगे क्या सेवेंटी नाइन एटी एटी तो चलो ठीक है छोटा सा क्वेश्चन है नहीं करवाओगे तो मैं इसमें करवा लूंगा 79 नाइन जल्दी बताओ सेवेंटी नाइन आर आर की मास्टर प्रॉब्लम है बट डिस्कस नहीं किया था तो कर ले नहीं सेवेंटी नाइन मास्टर प्रॉब्लम नहीं है आई एम श्योर चलो ठीक है कर लेते हैं कर ले सभी क्वेश्चन चलू लाइन से चलू लाइन से चलू चलो लाइन से चलते हैं अरे लाइन से चलते हैं बस बात खत्म हो गई बात खत्म सेवेंटी नाइन थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन पी लिमिटेड एक्वाइर्ड वन लैख फाइव थाउजेंड शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर ट्वेल्व लैक द पोजिशन ऑफ पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड ऑन दैट डेट ऑन दैट डेट बोल रहा है मतलब ये डेट ऑफ एक्वेशन पर है ये ऑन डेट ऑफ एक्विशन तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कंसोलिडेशन के लेक्चर लेते वक्त डेट ऑफ एक्विशन का बहुत बड़ा रेलिवेंस बताया है कि डेट ऑफ एक्विशन पर आपको ध्यान रखना है तो यह तो हो गई तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ठीक है इसके बाद पी एंड क्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन ये थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन की इन्फॉर्मेशन हो गई और ये है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन डेट ऑफ एक्विजिशन है जबकि ट्वेंटी वन है भाई साहब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड देख रहे हो कितना है फिफ्टीन के बाद ट्वेंटी वन मतलब देख रहे हो समझ रहे हो मेरी बात समझ हो कि नहीं समझ रहे हो कि नहीं हाँ सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस छः साल

क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो प्री से होता है पर अगर वो साफ साफ बोल रहा है तो हम क्या इसके अगेंस्ट जा सकते हैं क्या नहीं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा पोस्ट से ही करना पड़ेगा यार ठीक है ठीक है सर ओके और देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे ना प्री प्रॉफिट कितने हैं है? प्री प्रॉफिट कितने है? प्री इनकॉर्पोरेशन थर्टी ये तो छोड़ी दो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस सिक्सटी जबकि अब देखो छह साल में इस कंपनी का क्या हुआ प्री इनकॉर्पोरेशन वही भी थर्टी का थर्टी हुआ जनरल रिजर्व आ गया नाइनटीन लैक फाइव थाउजेंड देख रो भाई देख रहा हाँ, देख रहो। देख रहा रहा चाचा उधर था ही नहीं जनरल रिजर्व इधर पूरा जनरल रिजर्व है ठीक है और प्रॉफिट एंड लॉस देखो 4, हो गया तो पहले जनरल रिजर्व था ही नहीं प्रॉफिट ही नहीं थे sufficient. तो अगर आपके पास प्री प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है तो क्या करोगे पोस्ट से ही करोगे कैलकुलेट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर वो बिफोर एंड आफ्टर इशू की बात कर रहा है चलो ठीक है तो सर सर ये बताओ सर ये बताओ बोनस की एंट्री हुई है कि नहीं मैं आपसे पूछूं बोनस एंट्री पास्ट और नॉट सर बोनस की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है जल्दी मुझे कमेंट पे बताओ बोनस की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है बोनस की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है बोनस की एंट्री हुई है कि नहीं तो मैं आपको बताऊं बोनस की एंट्री नॉट पास पास नहीं हुई है बोनस की एंट्री नहीं पास हुई सर आपको कैसे पता चला ये देखो यहां पर तुम इक्विटी शेयर कैपिटल देखो फिफ्टीन लाख रुपीस, डीओए वाला और यहां पर तुम इक्विटी शेयर कैपिटल देखो अगेन 15 लाख रुपीस डीओए वाला तो नहीं हुई है सर वैसे तो ना यहां दे रखा है बिफोर बोनस इशू अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो क्या करोगे लायक क्वेश्चन में अगर ना दिया हो तो क्या करोगे लायक ठीक है तो बोनस की एंट्री पास नहीं हुई है ठीक है तो चलो मेरे साथ शुरू करेंगे सब सब लोग लोग मेरे साथ लो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन अगर आप थोड़ा सा रफ वर्क करना चाहो तो बेटर रहेगा यहां पर मैं आप सबको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इस टाइप की टाइमलाइन बनाया करो ठीक है ये आपका थर्टी फर्स्ट मार्च डीओए है ठीक है और यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं कितने वन लैख फाइव थाउजेंड जबकि ये था वन फिफ्टी तो कितना हुआ ठीक है डिवाइडेड सेवनटी परसेंट हुआ ये सेवेंटी परसेंट परचेज ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है वो 105 जीरो फाइव डिवाइड बाय वन है इन टू तो ये हो गया 70 परसेंट ठीक है तो चलो ये 70 परसेंट हो गया कॉस्ट कितनी हो गई कॉस्ट कितनी हो गई 12 लाख कॉस्ट 12 लाख ये आपका 31 मार्च 31 मार्च 21 अब अगर आप मैं आपको रिजर्व्स uh, की बात करूं तो प्री इनकॉर्पोरेशन बेटा प्री इनकॉर्पोरेशन प्री एक्विजिशन नहीं थोड़ा सा सोचना प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन खेलते हैं हम कंसोलिडेशन में पर ये प्री इनकॉर्पोरेशन है और वो भी वो उसी दिन दिख रहा है तो ये भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा थर्टी एल का बैलेंस सिक्सटी जनरल रिजर्व का बैलेंस जीरो और यहां पर प्री का बैलेंस थर्टी पी एंड एल का बैलेंस फोर ट्वेंटी जनरल रिजर्व का बैलेंस नाइनटीन अभी वो क्या बोल रहा है कि आप बोन बिफोर बोनस इशू एंड इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू ये बोल रहा है बिफोर बोनस इशू इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू के हिसाब से करो ठीक है ना सारी चीजें आप बिफोर बोनस और इमीडिएटली आफ्टर बोनस के हिसाब से करो वो ऐसा बोल रहा है तो ठीक है ठीक है ना अभी यहां पर बोनस आया है बोनस कितना आया है वन फॉर एवरी टू तो वन इज टू वन इज टू तो कितना होगा सेवेंटी फाइव आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे वन फिफ्टी तो कितने होंगे सेवेंटी फाइव नंबर सेवेंटी फाइव नंबर के हिसाब से टेन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है चलो अब हमें क्या बनाना है अब हमारा क्या क्या वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी कंसोलिटेट पी एंडल ठीक है बट उसके लिए हम क्या बनाएंगे सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर वन एओपी एओपी अब एओपी में बोलूंगा बिफोर बोनस बिफोर बोनस एओपी बिफोर बोनस पर्टिकुलर्स प्री एक्विजिशन जो कि होगा थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन और पोस्ट एक्विजिशन जो कि होगा सिक्स बैलेंस शीट डेट जो कि होगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन ठीक है क्लियर ठीक है सो सर बताइए पर्टिकुलर्स सर अपन क्या लिखेंगे यहां यहां लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वो तेरा यहां पर भी था यहां पर भी था तो इसका मतलब पोस्ट में उसका कोई दिक्कत नहीं है देख ले मैंने यहां टाइमलाइन में लिखा है थर्टी थर्टी फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस यहां तेरा सिक्सटी था यहां तेरा फोर ट्वेंटी है तो देख ले भाई सिक्सटी माइनस फोर ट्वेंटी थ्री ठीक है और जनरल रिजर्व यहां तेरा जीरो था देख ले भाई जीरो था और यहां नाइनटीन फाइव हो गया तो यहां जीरो था और यहां तेरा नाइनटीन फाइव हो गया तो नाइनटीन जीरो फाइव ठीक है करो टोटल करो करो जल्दी टोटल टोटल करो 90 एंड ट्वेंटी टू सिक्सटी फाइव चलो सर आप इसमें बोनस नहीं ले रहे हो ना मैं बोल रहा हूं इग्नोर बोनस मैं कह रहा हूं इग्नोर बोनस बिफोर बोनस मतलब इग्नोर बोनस बोनस को इग्नोर कर लो चलो करो उसका नेट नेट निकालो गोल्डी सब्सिडी का करो क्या क्या करोगे सर एक बात बताइए हां बेटा पूछो सर इसका कोई टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा नहीं बेटा टाइम एडजस्टमेंट तब होता है जब इन इस लाइन और इस लाइन के बीच में कहीं पर एक्विजिशन होता ठीक है तो बताओ होल्डिंग माइनॉरिटी कितना सेवेंटी थर्टी करो 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 नलायकों करो सिक्सटी थ्री मैं तुम लोगों को नलायकों बोलता हूँ प्यार से बोलता हूँ तुम लोगों को ऐसा ऐसा गल, गलत तो नहीं लगता ना कि सर नलायक बोल रहे हैं मैं वो प्यार वाला नलायक बोल रहा हूँ यार अरे आजकल भरोसा नहीं है यार यूट्यूब पे कोई भी ना किसी को भी गलत ले लेता है सोशल मीडिया का ज़माना है ना तो सोशल मीडिया पे कोई भी किसी को भी गलत ले लेता है तो वो सोच समझ के बोलना पड़ता है पूछना पड़ता है कि भाई गलत तो नहीं ले रहे हो मुझे ठीक है हो गया सही है चलो अभी वो क्या पूछ रहा है अभी वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो माइनॉरिटी निकालो और कंसोलिटेट पेंडल बैलेंस निकालो तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट जो कि तुम्हारे सेवेंटी परसेंट थे ट्वेल्व लाख, माइनस प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेटेट्स देखें जरा इस में कितना है दम फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय और प्री एक्विजिशन शेयर ऑफ होल्डिंग कितना होगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड ये तुम्हें दोनों माइनस करना है बहुत खुश हो सर आज बहुत खुश इसीलिए हूं क्योंकि आज नया बैच शुरू हुआ और अब जाके रिलैक्स हुआ क्योंकि पिछले हफ्ते भर से बैच शुरू करने से एक हफ्ता जो पहले वाला जाता है ना वो बहुत काउंसलिंग 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 इंसान टाइम ही नहीं निकाल पाता अपने लिए भी तो आप ही देख लो ना आपके पिछले दो दिन से मैंने क्लास नहीं ली तो थोड़ा सा अभी चिल हूं हल्का सा रिलैक्स मोड पे हूं इसीलिए और आप सबकी बेस्ट विशेस तो थी साथ में तो इसीलिए बैच भी अच्छा ही शुरू हुआ है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है बैच का ठीक है एटी सेवन थाउजेंडी सेवन थाउजेंड क्या आया सर गुडविल 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 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा तुमको पता है अपन ऐसा भी कर सकते थे मतलब अभी मेरे को ध्यान नहीं आया एओपी अपन ने बिफोर बोनस बनाया अपन एक और एओपी पहले आफ्टर बोनस बनाते फिर अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को दो कॉलम में बनाते बिफोर बोनस आफ्टर बोनस माइनॉरिटी को भी दो कॉलम में बिफोर बोनस आफ्टर बोनस अपना टाइम बचता पर ठीक है कोई नहीं इक्विटी ये मैं कर सकता हूं अभी बिफोर आफ्टर इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख का 30 परसेंट बिफोर अभी आफ्टर छोड़ दो बाद में प्लस प्री एक्विजिशन शेयर घड़ो ट्वेंटी सेवन प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर घड़ो सिक्स सेवेंटी नाइन फाइव हंड्रेड आपको बोलने का हक है नहीं हक का तो मुझे नहीं पता पर मैं प्यार से बोलता हूं इलेवन फिफ्टी सिक्स फाइव हंड्रेड ठीक है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी हो गया अभी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ग्रुप बिफोर बोनस आफ्टर बोनस ठीक है उसके लिए पहले तो हमें चाहिए जनरल रिजर्व और पी एंड एल का शेयर पी लिमिटेड का तो जनरल रिजर्व ऑफ पी लिमिटेड पी एंड एल ऑफ पी लिमिटेड सिक्सटी और फिफ्टीन सेवेंटी फाइव ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ पी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट शेयर ऑफ पी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फिफ्टीन एटी फाइव फाइव हंड्रेड फिफ्टीन एटी फाइव कोई दम नहीं था क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं दम मतलब इजी क्वेश्चन है नाइन वन सिक्स जीरो फाइव हंड्रेड ठीक है अब क्या बनाना है अब अपने को बनाना है एओपी आफ्टर बोनस एओपी आफ्टर बोनस ठीक है एओपी आफ्टर बोनस पर्टिकुलर्स प्री पोस्ट बैलेंस शीट क्या है प्री incorporation profit 30 30. p and l 60 420 p and general reserve general reserve 0 1905 0, 1905 ये तो पहले उतना ही होगा 90 और 360 1905 ये हो जाएगा 2265 अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बोनस के बाद हम ए बना रहे हैं मतलब बोनस का इफेक्ट देना है पर क्या बोनस की एंट्री पास हुई है बोनस की एंट्री पास हुई है नहीं तो नीचे हम नोट डालेंगे एओ के नीचे डालेंगे नोट बोनस एंट्री ट येट पास्ट हैंस डायरेक्टली डिडक्टेड अब कहां से डर करेंगे वैसे तो अगर अपने पास प्री प्रॉफिट होते सफिशियंट तो क्वेश्चन बोलता कि प्री प्रॉफिट में से दे रहे हैं पर क्योंकि है ही नहीं तो पोस्ट प्रॉफिट में से देंगे डिडक्टेड फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नलायकों ये नोट ध्यान रखो लिखने में काम आता है ठीक है ठीक है सर आप थकते नहीं हो अभी चार घंटे आपने रेगुलर बैच को पढ़ाया बेटा मैं एक दवाई लेता हूं मस्त वाली कभी फुर्सत में बताऊंगा कौन सी दवाई होती है वो प्लस नहीं माइनस बोनस 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 कितना है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड सर कैसे पता चला सर 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 सेवन सेवेंटी फाइव थाउजेंड नंबर्स मल्टीप्लाई टेन सेवन फिफ्टी नाइनटी एम एल वाली अब इतनी इतना सच नहीं बोलना था ये नई बैच का बच्चा है सबको जाके बता देगा फिर क्या करोगे तुम हाँ <laughs> हमको भी चाहिए दीदी ओ दीदी ऐसे मत बोलो आपको भी चाहिए दवाई चलो नाइनटी और फिफ्टीन फिफ्टीन बोनस की एंट्री पास कर लिया अपन ने अभी पी का शेयर कितना सेवेंटी परसेंट और एम आई का शेयर कितना थर्टी परसेंटी वन जीरो सिक्स जीरो फाइव ओ दीदी दीदी पदीदी, पदीदी। चलो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर बोनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ट्वेल्व लैक सर कंसोलिडेशन में रिवेल्यूशन वाली एंट्री बता दो क्वेश्चन में आएगा ना बता दूंगा ना यार सोनम तो सोनम तो यार इतनी बेवफा मत बनो यार सोनम तो इतनी बेवफा मत बनो यार थोड़ा तो वेट करो माइनस प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स आज कुछ चलो 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 आगे बढ़े इक्विटी कैपिटल सर बोनस के बाद इक्विटी कैपिटल कौन सा होता है सर माय गॉड इक्विटी कैपिटल इक्विटी कैपिटल आफ्टर बोनस माय गॉड इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा नलैक पहले था फिफ्टीन लाख उसके बाद सेवन फिफ्टी एड करके यहां हो जाएगा ट्वेंटी टू फिफ्टी पता है ना मल्टीप्लाई बाय सत्तर परसेंट तो फिफ्टीन सेवेंटी फाइव आ गया और प्री <laughs> प्री एक्विजिशन प्रॉफिट शेयर ऑफ पी घो घो घरों सिक्सटी थ्री अबे मस्ती मजाक में कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना ध्यान से देख के बताओ ओ दीदी दी, ओ दीदी दी, ओ दीदी दी, ओ दीदी फोर थर्टी दी। एट ये आ गया तुम्हारा कैपिटल रिज़र्व पहले आ रही थी गुडविल ओ माय गॉड ओही माँ कहाँ गया कहाँ गया एटी सेवेन था तुम्हारी गुडविल अब आ रही है तुम्हारी कैपिटल रिजर्व का उसके बाद माइनॉरिटी वो तो यही कर लेते हैं माइनॉरिटी इक्विटी कैपिटल हां अब इक्विटी कैपिटल किसका किसका होगा ट्वेंटी टू फिफ्टी का थर्टी परसेंट तो यहां चेंज हो जाएगा सर यहां बदला क्यों बिकॉज यहां का इक्विटी कैपिटल तुम्हारा फिफ्टीन लाख का थर्टी परसेंट है और यहां का तुम्हारा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव लैक्स का थर्टी परसेंट है ठीक है चलो चलो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है आजा, जल्दी करो प्री एक्विशन शेयर प्री एक्विशन शेयर कितना था ट्वेंटी सेवन ही था और फोर फिफ्टी फोर फाइव हंड्रेड था ट्वेंटी सेवन ही था और था ये सेम आना चाहिए मुझे लगता है हाँ सेम ही आएगा माइनॉरिटी पे कोई फर्क ही नहीं गिरता है भाई इधर से तुमने इक्विटी कैपिटल इसका कम था तुमने उतने से यहां पर पढ़ा दिया तो इधर से उसका पोस्ट एक्विशन नहीं था उतरे से तुमने यहां पर गिरा दिया अगर तुम देखो तो बोनस का इफेक्ट एक तो इक्विटी कैपिटल में में गया गया और पोस्ट शेयर तो लॉजिकली यहां इक्विटी कम था पर पोस्ट एक्वेशन शेयर ज्यादा है देखो अब यहाँ पोस्टक्वेशन शेयर कम है क्योंकि बोनस की एंट्री पास कर ली पर इक्विटी बढ़ गया तो लॉजिकली कोई फर्क पड़ा नहीं माइनॉरिटी में अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी कितना आएगा वो आएगा टेन सिक्सटी फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ये आएगा एटी सिक्स थाउजेंड एटी सिक्स लैख थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों करवाया मैंने ये क्वेश्चन मास्टर में क्यों डाला है बहुत ही ईजी था बट भले इजी था हो सकता है इजी के चक्कर में तो उस क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में ना देख के जाते ठीक तो तो है ये और ये क्या होता है? ये के कारण मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया अब मुझे यकीन है अगर तुम ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में भी नहीं देख के जाओगे तो अब तुम्हें याद रहेगा अब तुम्हें याद रहेगा ठीक है चलो सेवेंटी नाइन हो गया एटी 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 में क्या बोल रहे हैं ए लिमिटेड एक्वायर्ड सेवेंटी परसेंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड ठीक है एट अ कॉस्ट ऑफ अरे यार कहा जा रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ टेन लैख वेन बी लिमिटेड हैड एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टेन लैख रिजर्व एन सर प्लस एटी थाउजेंड इन द फोर कंजीक्यूटिव इन अगर तुम मैं इसका वापस से बोल रहा हूं तुम इसका टाइमलाइन बनाओ मेरे साथ टाइमलाइन बनाओ तो सबसे पहले वो बोल रहा है वन फोर टेन कहा गया वन फोर टेन ये है तुम्हारी डेट ऑफ एक्विजिशन ये तुमने किया इन्वेस्टमेंट यहां पर शेयर कैपिटल और रिजर्वेंस सरप्लस ठीक है टेन एटी टेन एटी इन द फोर कंजिक्यूटिव इयर्स बी लिमिटेड फेयर्ड बैडली बी लिमिटेड मतलब सब्सिडरी वो बोल रहा है बी लिमिटेड ने बहुत बुरा काम किया सफर्ड लॉसेज ऑफ टू फिफ्टी फोर लैख फाइव लैख वन ट्वेंटी ठीक है तो चार साल तक लगातार उसको लॉसेज हुए ठीक है ना चार साल तक लगातार लॉसेज हुए से मैं हटा के इसको यहां डाल देता हूं यहां लॉसेस कितने हुए ढाई चार पांच एक बीस ढाई चार पांच एक बीस ढाई चार पांच एक बीस देर इन फोर्टीन फिफ्टीन बी लिमिटेड एक्सपीरियंस टर्न अराउंड एंड रजिस्टर्ड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ पचास अब उसको यहां से प्रॉफिट होना शुरू हो गया यहां पर फिफ्टी नेक्स्ट टू ईयर्स में उसको और प्रॉफिट हुआ वन लाख ,00 और वन फिफ्टी यहां वन लाख ,00 और ये वन फिफ्टी एक्चुअली ये क्वेश्चन नेगेटिव माइनॉरिटी से रिलेटेड है नेगेटिव माइनोरिटी शो द माइनोरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ ईच ईयर अब सुनो पहले ना इसमें दो लाइनों की थ्योरी लिखनी पड़ेगी तुम लोगों को ठीक है ना ज्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना क्वेश्चन बहुत इजी है मुझे पता है तुम सबको क्वेश्चन लगभग लगभग पता है कि हाँ ये होता क्या है पर बच्चे को मार्क्स कम क्यों मिलते हैं अगर के क्वेश्चन छह मार्क का आया तो तुम्हें चार मार्क मिलेंगे अगर तुम इसका थ्योरी नहीं लिख के आए सर कौन सा थ्योरी ये देखो इसने दो चार लाइनें क्या लिखी हैं ठीक है ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल इसके जैसी लाइनें लिख के आओ एग्जैक्ट पर मतलब वही निकलना चाहिए

मैं जो माइनस वन लैख एक्स्ट्रा जो है ना मतलब नेगेटिव नहीं दिखाऊंगा मैं उसको तो फिर यह माइनस वन लैक कहा लिखूंगा होल्डिंग कंपनी फिलहाल बियर करेगा अपने पी पीएनएल में डाल देगा फिलहाल होल्डिंग कंपनी अपने पी में डाल देगा ठीक है फिर अगले साल फिर से लॉसेज आ गए माइनोरिटी नेगेटिव आया मान लो इस बार दो लाख रुपए नेगेटिव आया वो माइनॉरिटी का शेयर दो लाख रुपए नेगेटिव आया वो भी होल्डिंग कंपनी ले जाएगा तो माइनॉरिटी नेगेटिव ना होके होल्डिंग कंपनी ये लॉसेस बियर करेगा टेम्पररी जब सब्सिडी कंपनी वापस से प्रॉफिट कमाने लगेगी तो उस प्रॉफिट में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है वो शेयर माइनॉरिटी को ना मिलके होल्डिंग कंपनी कॉम्पनसेट करेगी बिकॉज होल्डिंग कंपनी ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लॉस बियर किया था तो वो लॉस को कॉम्पनसेट करेगी और तब तक प्रॉफिट माइनॉरिटी में बांटा नहीं जाएगा तो हम यहां पर क्या आंसर लिखेंगे यहां लिखेंगे एस पर एस ट्वेंटी वन कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैन सब्सिडी इनकर्स लॉसेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड Minority interest will be reduced. There are chances that due to such losses, minority interest becomes negative. Becomes negative. Any balance of MI beyond zero is borne by holding company in its PL account. ठीक है सब्सिक्वेंटली वैन तुम लोग लिख रहे हो ना यहां मैं बोल सकता हूं जो बच्चा इस बैच के अंदर ना लिख नहीं रहा है ना वो पछताएगा वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ये बैच देख के वो पछताएगा सब्सिक्वेंटली वैन सब्सिडी कंपनी प्रॉफिट सब्सिक्वेंटली वन सब्सिडी कंपनी लोकेश में तुम्हारा तो डाउट सॉल्व नहीं कर सकता मैं एएस ट्वेंटी थ्री अभी नहीं पढ़ा रहा हूं एएस ट्वेंटी थ्री का टाइम आएगा तो तब पूछना सब्सिक्वेंटली वन सब्सिडी कंपनी ऑन्स प्रॉफिट एनी शेयर ऑफ माइनॉरिटी In such profit will be transferred to majority holders, that is, holding company to the extent of losses. बॉन्ड अब इतना तो लिखना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास ठीक है चलो अब तुम ऐसा वाला फॉर्मेट तुम्हें बनाना है इयर प्रॉफिट लॉस कितना हुआ उसके कारण माइनॉरिटी कितना उसके कारण एडिशनल पी एंड एल जो मेजोरिटी वालों का है फिर माइनॉरिटी का शेयर होल्डिंग ने कितना बियर किया और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला कॉलम नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तुम्हारा वैसा का वैसा ही रहने वाला है तो क्या क्या बनाओगे ईयर प्रॉफिट लॉस ईयर प्रॉफिट लॉस माइनॉरिटीज़ शेयर होल्डिंग्स शेयर और क्या है एम शेयर बॉन बाय होल्डिंग ठीक है इसमें भी दो आएंगे चलो न ठीक है हां जी अभी ईयर का क्या है सबसे पहले तो वन फोर टेन वन फोर टेन वन फोर टेन वन फोर टेन, वन फोर टेन में माइनॉरिटी कितना है कितना परसेंटेज है भाई सेवेंटी टेन तो एटी का थर्टी परसेंट ये हो जाएगा थ्री ट्वेंटी फोर सॉरी ये है प्रॉफिट लॉस है थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है ना अब ध्यान से यहां पर टेन एलेवन लॉस कितना आया टू थू फिफ्टी ये लॉस ऊपर ब्रैकेट लगा दिया 250 में माइनॉरिटी का कितना शेयर 75 माइनॉरिटी का कितना शेयर 75 75 बेटा ये माइनस हो जाएगा और होल्डिंग का कितना शेयर 175 पर क्या ये माइनस करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या नेगेटिव हो रहा है नहीं तो तुम्हें इतना जल्दबाजी मत करो कि सर ये नेगेटिव ना नेगेटिव हो गया नेगेटिव को ना होल्डिंग करेगा नहीं टोटल नेगेटिव होना चाहिए अभी माइनॉरिटी का ओपनिंग बैलेंस 324 पॉजिटिव है उसमें से 75 माइनस करोगे तो यहां पर आएगा तुम्हारा 31 मार्च 11 ये तुम्हारा बैलेंस आएगा थ्री ट्वेंटी माइनस माइनस सेवेंटी ये टू ठीक है कुछ नहीं होगा और कहीं कुछ नहीं होगा ठीक है वापस से थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन अब करते हैं इलेवन ट्वेल्व अब कितना लॉस फोर लैख का नेगेटिव फोर लैख के नेगेटिव लॉस में थर्टी परसेंट माइनॉरिटी थर्टी परसेंट माइनॉरिटी और बाकी का मेजोरिटी वालों को चला गया टू एटी क्या हुआ हाँ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व बैलेंस क्या हुआ बोलो बोलो क्या हुआ टू फोर्टी नाइन माइनस वन ट्वेंटी अभी भी मेजोरिटी माइनॉरिटी पॉजिटिव है अभी भी माइनॉरिटी पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है माइनॉरिटी पॉजिटिव है होन दो चलने दो ट्वेल्व थर्टी लॉसेस 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 फाइव लैक्स फाइव लैख के लॉसेस फाइव लैख इंटू थर्टी परसेंट वन फिफ्टी अब देखो कुछ रेड साइन आया है वन फिफ्टी अब देखो कुछ रेड साइन आया है तो सर रेड साइन आया तो रेड में करो ना सर ठीक है ना सर रेड साइन आ गया देखो गड़बड़ हो गई गड़बड़ सॉरी बैलेंस कितना बचा 129 का 150 कितना बैलेंस बचा इक्कीस हजार नेगेटिव इसको तुम करोगे जीरो जीरो हाँ, जीरो 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 ठीक है और यहां पर 21,000, 21,000, बेसिकली ये करंट ईयर और ये बैलेंस क्यूमुलेटिव बैलेंस क्यूमुलेटिव तो करंट ईयर का 21 आया और ये ट्वेंटी वन का ट्वेंटी वन होल्डिंग ने बियर किया माइनॉरिटी शेयर ऑफ लॉस बॉर्न बाय होल्डिंग ठीक है अब आ जाओ तेरह चौदह लॉस और भी है वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी का माइनॉरिटी शेयर कितना हुआ थर्टी सिक्स बेटा माइनॉरिटी पहले से ही नेगेटिव चल रहा है तो थर्टी सिक्स इधर डाल दो और बैलेंस बढ़ के कितना हो गया फिफ्टी सेवन और मेजोरिटी वालों का तो जो है वो है एटी फोर थाउजेंड बेचारा होल्डिंग कंपनी माइनॉरिटी का शेयर पिछले साल 21 और अभी 36 करके इतना बीयर कर चुका है 57 करके बियर कर चुका है एटी फोर एटी फोर और ठीक है बस ये तो बैलेंसेस पड़े हुए हैं फिफ्टी सेवन अब चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह पचास हजार मैं इसके आगे नहीं करवाऊंगा तुम समझ जाना फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट ओ भाई साहब अब जाके प्रॉफिट आया फिफ्टी का थर्टी परसेंट कितना होता है पंद्रह हजार पंद्रह हजार कौन ले जाएगा चलो मुझे जवाब दो बाकी तो मेजोरिटी वालों का शेयर तो है ही सही बाकी तो मेजोरिटी वालों का शेयर है ही सही ठीक है पचास के प्रॉफिट का थर्टी परसेंट पंद्रह हजार कौन ले जाएगा होल्डिंग बोलेगा मैं माइनॉरिटी को नहीं दूंगा अब जब तक मैं माइनॉरिटी का यह वाला शेयर जो मैंने बियर किया था वो सेट ऑफ ना कर दू तब तक बियर नहीं करूंगा तो पंद्रह हजार का ये सेट ऑफ कर दिया तो भी फोर्टी टू बच जाएगा फोर्टी टू का बैलेंस अब भी भी बच जाएगा फिफ्टी थाउजेंड पॉजिटिव होने के बाद भी ठीक है तो यहां बैलेंस थ्री नाइन्टी नाइन फिफ्टीन ये नेगेटिव ये फोर्टी टू अब कर लोगे बाकी का कर लोगे कर लेंगे सर करना भी चाहिए तुम लोगों को अब अपन क्या करेंगे अब अपन ठीक है आप अपन क्वेश्चन नंबर एटी वन करेंगे तुम लोग का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है आप अपन क्वेश्चन नंबर एटी वन करेंगे क्वेश्चन नंबर एटी वन एक बार चलो जी मेरी आवाज आ रही होगी एक बार कंफर्म कर दो एक बार कंफर्म कर दो एटी टू एटी वन सॉरी वन ए लिमिटेड बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रुपीज इन थाउजेंड इक्विटी शेयर सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर जनरल रिजर्व पी एंड एल ट्रेड पेबल डिविडेंड पेबल फिर असेट्स में गुडविल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवल्स कैश एंड बैंक ए लिमिटेड परचेज थ्री फोर्थ ऑफ द इंटरेस्ट इन बी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थ्री फोर्थ ऑफ द इंटरेस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द इंटरेस्ट एट अ प्रीमियम ऑफ ट्वेंटी तो इक्विटी शेयर देखो कितना है पांच इसका करो थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब थर्टी सेवन फिफ्टी और उसको उसने प्रीमियम पे लिया मतलब मार्केट में वैल्यू ज्यादा है मतलब लिया फोर सिक्स एट सेवन पॉइंट फाइव फोर सिक्स एट सेवन पॉइंट फाइव फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी इंक्लूड्स थाउजेंड वन थाउजेंड ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ठीक है प्रीवियस ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड किया और ये बोल रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर तो मैं इसको बोलूंगा एट एंड ऑफ ईयर ये जो पोजिशन है ये एट एंड है और हमने बिगनिंग में लिया था और बिगनिंग में उस टाइम पे प्रॉफिट कितना था जनरल रिजर्व ब्रॉड ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो जनरल रिजर्व पूरा का पूरा ब्रॉड फॉरवर्ड है डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ टेन परसेंट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस अब देखो साफ साफ बोला है इक्विटी पर दिया है इक्विटी पर दिया है तुम प्रेफरेंस वाला इग्नोर कर दो प्रेफरेंस वाला इग्नोर कर दो तो इक्विटी पर दिया है फॉर द प्रीवियस एंड करंट ईयर फॉर द प्रीवियस एंड करंट ईयर अब हुआ क्या है देखो यहां पर ना एक अजम्पन एक है एक अजम्पन है इंस्टीट्यूट uh, ने एक अजम्पन किया है मैंने यहां पर लिखा भी है आईसीआई सजेस्टेड आंसर दिस इज रॉन्ग एज पर माई ओपिनियन मुझे कायदे से इसको रॉन्ग नहीं लिखना चाहिए मैं मतलब थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही लिख दिया रॉन्ग मुझे लिखना चाहिए द आईसीआई आंसर इज एज पर डिफरेंट व्यू एज पर डिफरेंट व्यू आई शुड नॉट से रॉन्ग मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे को रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए मतलब डिफरेंट व्यू और इसीलिए मैं आपको यह क्वेश्चन करवा रहा हूं आईसीआई का यह सजेस्टेड आंसर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है क्या डिफरेंट है यार एक्चुअली जो लास्ट वाली है ना डायरेक्टर्सेंट फॉर प्रीवियस ईयर तो क्या दो साल का डिक्लेयर किया एक ही बार या प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में किया करंट ईयर का करंट ईयर में किया क्या मतलब है इसका आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं कि जो डिविडेंड डयर किया है वो प्रीवियस ईयर का है करंट ईयर का है कौन सा वाला डिविडेंड है चलो एक काम करते हैं टेन परसेंट तो फिफ्टी थाउजेंड का फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट कितना आता फाइव हंड्रेड और थ्री फोर्थ किसको मिलेगा होल्डिंग कंपनी को मिलेगा ठीक है थ्री फोर्थ किसको मिलेगा होल्डिंग कंपनी को मिलेगा सो so, यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बस एक ही चीज का है कि डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनी हैव डिक्लेयर टेन परसेंट डिक्विड डिविडेंड फॉर प्रीवियस एंड करंट ईयर प्रीवियस और करंट ईयर दोनों 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 का डिविडेंड अलग अलग है दोनों दो अलग अलग डिविडेंड है कि एक ही डिविडेंड है दो अलग अलग डिविडेंड है कि एक ही डिविडेंड है। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ हाँ सर समझ गए आगे बढ़ो बार बार वही वाली चीज रिपीट कर रहे हो हाँ। अब अगर समझ गए तो आप आईसीआई ने क्या माना है ने सी पर आई ने यहां पर आई सी ए आई ने यहां पर, as, जो मुझे ध्यान आ रहा है उन्होंने एक ही डिविडेंड माना है उन्होंने एक ही डिविडेंड माना है उन्होंने उन्होंने दो दो डिविडेंड नहीं माने प्रीवियस ईयर का अलग करंट ईयर का अलग उन्होंने एक ही डिविडेंड माना है ठीक है कैसे मैं आपको देखो यहां पर बता सकता हूं जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो इसका प्रॉफिट लॉस देखो सेवनटीन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा लिख के पर पहले मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं कि ये देखो ये क्लोजिंग प्रॉफिट है सेवनटीन नाइनटी और जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया उस दिन ओपनिंग था थाउजेंड तो देखो उन्होंने क्या किया थाउजेंड और सेवनटीन नाइनटी जनरल रिजर्व तो पूरा का पूरा हम ओपनिंग ले लेंगे क्योंकि वो बोल रहा है कि पूरा ब्रॉड फॉरवर्ड है तो वो पूरा प्री में आ गया तो ये टोटल भी आ गया चलो ये ले लिया अब क्या अब वो देखो शेयर ऑफ माइनॉरिटी अलग अलग कर रहा है माइनॉरिटी का शेयर अलग कर रहा है वो डिविडेंड माइनस नहीं कर रहा है फिलहाल वो डिविडेंड अलग से माइनस करेगा जो शेयर ऑफ माइनॉरिटी हटा दिया तो शेयर ऑफ पेरेंट आ गया एक तरीके से अब माइनॉरिटी में वो क्या डाल रहा है इक्विटी कैपिटल का वन फोर्थ प्रेफरेंस कैपिटल पूरा डाल रहा है बिकॉज प्रेफरेंस कैपिटल भी है माइनोर सब्सिडी कंपनी के पास और वो होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट ठीक है फिर क्या प्रॉफिट एंड लॉस सेवनटीन नाइनटी का वन फोर्थ मतलब ये दोनों का, दोनों का, ये fourth, uh, क्या बोलते इतना और इसका फोर फिफ्टी और वन नाइनटी सेवन ठीक है और जनरल रिजर्व एट लैख का वन फोर्थ एट लैख का वन फोर्थ तो उन्होंने यहां पर डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं है थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा अब आप यहां पर आओ इन्होंने यहां डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट दिया है डिविडेंड है कितना टेन परसेंट टेन परसेंट किसका फाइव थाउजेंड का मतलब फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड का फाइव हंड्रेड का थ्री फोर्थ मतलब थ्री सेवेंटी फाइव तो अगर आप देखो यहां पर यहां पर उन्होंने देखो डिविडेंड कितना लिया थ्री सेवेंटी फाइव प्री डिविडेंड और वो भी प्री मानते हुए अब ये प्री कहां से आया एक्चुअली या तो ये लैंग्वेज बहुत गलत है या तो लैंग्वेज ऐसी है कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में दिया गया टेन परसेंट इक्वे फॉर द प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर ठीक है समझ गए तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये फंडा है क्या ये फंडा ऐसा है कि ये है डेट ऑफ एक्विजिशन ये है पी एंड एल ये है पी एंड एल ये है जनरल रिजर्व ये है जनरल रिजर्व यहां उन्होंने डिविडेंड दिया है डिविडेंड पेड किया है टेन परसेंट मतलब फाइव हंड्रेड सीधा डिविडेंड इन्होंने यहां दिया है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में दिया है और प्रीवियस ईयर का डिविडेंट अगर वो करंट ईयर में देवे तो ये डिविडेंट किस साल से बिलोंग करता है प्रीवियस ईयर से तो इसका मतलब डिविडेंट को क्या नाम देंगे प्री तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आईसीआई का जो सोल्यूशन है उसमें एक ही डिविडेंट लिया गया है जबकि पढ़ के लग रहा है कि डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनी टेन परसेंट इक्विटी डिविडेंट कैपिटल टेन परसेंट ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर प्रीवियस एंड करंट ईयर मतलब ऐसा लग रहा है कि दो दो साल का डिफरेंट है जबकि यहां पर आईसीए का जो आंसर है वो उस व्यू से है कि भाई प्रीवियस ईयर का डिफरेंट करंट ईयर में दिया गया तो या तो ये लैंग्वेज ऐसी है कि फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर ऐसा है ठीक है ना फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर इसीलिए मैंने कहा कि आई का व्यू डिफरेंट है अब यह आसान हो गया बहुत डिविडेंड करंट ईयर में दिया गया है पर है प्रीवियस ईयर का ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बनाएंगे एओपी पर्टिकुलर्स प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन बैलेंस शीट मुझे पता है कि तुम लोगों का अगला क्वेश्चन यही होने वाला है कि सर हम एग्जाम में क्या करेंगे यार देखो मैं पर्सनली मानता हूं कि ना आईसीआई से पंगा नहीं लेने का आईसीए से पंगा नहीं लेने का अगर ऐसा आया तो जैसा आई अब तुम्हें पता अब ऐसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन में इन्होंने अलग 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 किया है एक ही ऐसा तूफानी क्वेश्चन आया एक ही ऐसा क्वेश्चन अपने को पता चला तो यार इतना तो तुम्हें याद रहेगा कि अगर ये लैंग्वेज आई है तो तुम्हें याद रहेगा अरे यार ये साला ऐसे ही खराब ये दिक्कत होगा हमें हमें भी ऐसे ही करके आना है ठीक है तो लिखिए पी एंड एल बैलेंस थाउजेंड सेवन नाइन्टी सेवनटीन और सेवन नाइन्टी जनरल रिजर्व एट हंड्रेड डैश एट हंड्रेड तो ये हो गया एटीन हंड्रेड और सेवन नाइन्टी अब उन्होंने प्रीवियस ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में दिया है तो करंट ईयर में उन्होंने करंट ईयर में उन्होंने क्या किया होगा करंट ईयर में उन्होंने गलती से माइनस कर दिया होगा पोस्ट में से क्या करोगे एडलेस लेस क्या करोगे यहां से 500 का बोलो बोलो 500 का क्या करोगे यहां से माइनस सॉरी एड बैक और यहां क्या करोगे माइनस अब यहां करो चाहे टाइम एडजस्टमेंट की बात करो पर टाइम एडजस्टमेंट है ही नहीं उस क्वेश्चन में ये तो सबको पता है ना ठीक है आरआर के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था तो पोस्ट एक्विजिशन में तुमने कर लिया एंट्री पास हो चुकी होगी करंट ईयर में तो एडबैक करो और वो प्री डिविडेंट है माइनस करो टाइम एडजस्टमेंट होगा ही नहीं इसलिए मैंने यही माइनस कर लिया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व नाइन्टी और कौन है ए लिमिटेड बी लिमिटेड तो एंड माइनॉरिटी ए ए ए कितना थ्री फोर्थ नाइन सेवेंटी फाइव थ्री ट्वेंटी फाइव

ठीक है फिर क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट कितने हैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट सिक्सटीन ट्वेंटी नहीं यार ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट सिक्सटीन ट्वेंटी ये कुछ अलग लग रही है लिमिटेड परचेस इंटरेस्ट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ पच्चीस परसेंट तो ये तो फोर सिक्स एट सेवन आ रहा है लिया है ही ठीक है ठीक है माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो हम मान के चलेंगे कि उसने रॉन्गली पी एंड एल में चार्ज कर लिया होगा जबकि हमें इन्वेस्टमेंट से माइनस कर करना होगा प्री इक्वेशन डिविडेंड थ्री सेवेंटी फाइव और फिर माइनस करना होगा प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स पोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स, इक्विटी कैपिटल कितना है फाइव थाउजेंड थ्री सेवन फाइव जीरो प्री एक्विशन प्रॉफिट शेयर नाइन सेवेंटी फाइव ये आ गया फोर वन टू पॉइंट फाइव जीरो कैपिटल आया कि नहीं आया देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल वन टू फाइव जीरो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में ये भी बात अच्छी है कि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा है और होल्डिंग कंपनी ने वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिया है तो पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल कैपिटल थाउजेंड का माइनॉरिटी के पास चला जाएगा प्री एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट प्री एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट थ्री ट्वेंटी फाइव और पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट थ्री ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव टू एट नाइन सेवन पॉइंट फाइव टू एट नाइन सेवन पॉइंट फाइव प्री एंड पोस्ट एक्शन प्रॉफिट माइनॉरिटी एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये देखिए टू एट नाइन सेवन फाइव और ये कैपिटल रिजर्व आ रहा है अपना इनका कुछ और आ रहा है इनका सेवन एटी सेवन फाइव हंड्रेड आ रहा है अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड तो ये तो ठीक है तेरह सो पचास तेरह सो पचास क्यों आ रहा है इनका तेरह सो पचास तो आ रहा है। इन टू अब देखो इन्होंने डिविडेंड का ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं लिया है डिविडेंड बेसिकली इन्होंने यहां पर डिविडेंड ये, ये, ये माइनस माइनस प्लस की कहानी डिविडेंड वाली डिविडेंड वाली यह माइनस प्लस की कहानी में उन्होंने क्या किया है यहां हमने एड बैक किया और यहां उन्होंने लेस किया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है एक काम करते हैं इसको मैं एक बार तुम एक काम करना इसको तुम ये क्यू आर भी एक बार देख लेना कि मैंने क्यू आर में क्या बात की है एंड आई विल वल्सो रिफर दैट बिकॉज कंसोलिडेशन तो हमें वैसे भी अभी नेक्स्ट क्लास में लेके जाना है सो so, इसमें जो उन्होंने लिया है तेरह सो पचास वो उन्होंने किस चीज का लिया है ये हटाकर अठारह सो आ रहा है अठारह सौ का सेवेंटी फाइव परसेंट करेंगे तो तेरह सो पचास आएगा एडजस्टमेंट नहीं लिया है है वो प्री एक्विजिशन क्योंकि वो यहां खुद साफ साफ बोल रहे हैं प्री एक्विजिशन पर यहां वो नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने एंट्री करंट ईयर में की होगी तो मतलब वो मान रहे हैं कि एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में दिया है और वो मान रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में एंट्री ऑलरेडी हो रखी होगी ना जाने की वो ऐसा सोच रहे हैं तो एक काम करना तुम एक बार अभी लेक्चर अभी लगभग हमारा खत्म है वैसे भी तो ये तुम एक बार क्यू आर देख लेना मैं भी अगली क्लास में इसको डिस्कशन करूंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है सर कंसोलिडेट पेंडल में नहीं था इधर होगा डोंट वरी मेरे को करवाना है कंसोलिडेट पेंडल मेरे को करवाना है इधर सर नेट अस, नेटवर्थ असेट एंड लाइब्रेटी वाला लिया है सर इन दिस क्वेश्चन इफ कंसोलिडेटेड पेडल होता बनाना होता तो डिविडेंड वहां से लेस नहीं होता ना डिविडेंड पेबल है सर अरे डिविडेंड पेबल है तो पेबल कैसे हो सकता है यार प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जब वो करंट ईयर में पे कर रहा है ना वो साफ साफ बोल रहा है प्रीवियस और प्रीवियस ईयर का तभी तो हम उसको प्री मान रहे तो पेबल है उससे क्या फर्क पड़ता है भले पेबल हो उससे क्या फर्क पड़ता है इज समथिंग फिशी इन दिस क्वेश्चन इज समथिंग फिशी इन द क्वेश्चन आई मस्ट से दैट यू यू रिफर माई क्यू आर ऑल्सो आई विल ऑल्सो कंसिडर दिस क्यू आर एंड देन आई टॉक टू यू इन द नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास नाउ नेक्स्ट क्लास के लिए हम क्या कर सकते हैं तुम एटलीस्ट ट्राई करना एटी टू नंबर क्वेश्चन जो छोटा सा है बाकी मैं करवा लूंगा और और नेक्स्ट uh, क्लास में हम मई ट्वेंटी फोर वाला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे टिल देन आपको कोई डाउट है कि हम लेक्चर को यहीं पर खत्म करें आज मुझे लेक्चर यहीं पर ओवर करना पड़ेगा कल की क्लास में हम कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेंगे और ये वाले जो जो जो, जो गजब वाला क्वेश्चन था ये अलग टाइप का क्वेश्चन था ये और माई ट्वेंटी फोर वाला और आगे का एक दो क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है चलो सर थैंक यू सो मच अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को लाइक करने के बाद ही जाना और आई होप आपको कम, अभ, अभी अभ्यास बैच के लेक्चर्स ठीक लग रहे हैं इसको हम अब छुट्टियां चीजें जो हो रही थी अभी न्यू बैच के चक्कर में अब वो नहीं होंगी थैंक यू सो मच बाय बाय अभी के लिए धन्यवाद लव यू ऑल